दोस्तों पंजाब विच अज एक होर नवीं भर्ती नोटिफिकेशन जारी करता गया जी। दोस्तों एज लिमिट की होगी, क्वालिफिकेशन की होगी, सैलरी की होगी, किवें तुसीं अप्लाई करना, सारी जानकारी डिटेल च देंगे। कृपा करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों वक् वक् पोस्टां लई नोटिफिकेशन जारी करता गया जो चाहवान उम्मीदवार ने जिन्हां पोस्टां लई अप्लाई कर सकदे। दोस्तों पंजाब स्टेट विच आने वाली 100% सही अते सटीक जानकारी सब तो पहला पाउण लई मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो जी। सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकन नूं प्रेस करके छड़ दिओ जी। दोस्तों पंजाब स्टेट विच जदों भी कोई निक्की मोटी भर्ती आवे जां कोई अपडेट आवे उहदी जानकारी सब तो पहला तुहानूं मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दिओ। दोस्तों अज्ज दी भर्ती दा नोटिफिकेशन जारी कीता गया जी। आर्मी पब्लिक स्कूल फिरोजपुर वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया जी। दोस्तों होर वधेरी जानकारी लई तुसीं इहनां दा हैल्पलाइन नंबर जां इहनां दी ऑफिशियल वैबसाइट ते विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकदे। दोस्तों पोस्टां ने जी नॉन टीचिंग स्टाफ लिए पोस्ट अनाउंसमेंट की गई ने जी सैशन 2022-23 वास्ते। पोस्ट एंड डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर एक जी IT सुपरवाइजर की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी एडवांस डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर में तुसी कंप्लीट किया है और 2 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नंबर 2 जी लाइब्रेरियन की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस विच तुसी कंप्लीट की है। ग्रेजुएट विद डिप्लोमा तुसी लाइब्रेरी साइंस विच तुसी कंप्लीट किया है और 3 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। नैक्सट पोस्ट है जी अकाउंटेंट की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी कमर्स ग्रेजुएट और 15 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है या सर्विस है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। उम्र सीमा जी 55 साल के विचकार होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 4 जी UDC की पोस्ट है जी। अपर डिवीजन कलर्क की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी BCOM तुसी कंप्लीट की है। 15 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है या सर्विस है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। कंप्यूटर आदि तुहानूं चंगी जानकारी। पोस्ट नंबर 5 जी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी ग्रेजुएट या तुसी कंप्लीट की और 10 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है या सर्विस है कलर्क रैंक तक तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। कंप्यूटर आदि तुहानूं चंगी जानकारी होना जरूरी है जी। पोस्ट नंबर 6 जी कंप्यूटर लैबोरेटरी टैक्नीशियन की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी 12वीं तुसी पास की है। 1 साल का डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस विच तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट नंबर 7 जी साइंस लैबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है जी। 12वीं तुसी पास की है साइंस सब्जेक्ट नाल तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नंबर 8 जी पैरामेडिक फीमेल की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन है जी 12वीं तुसी पास की है डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया नर्सिंग विच और 5 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है। उम्र सीमा जी 40 साल के विचकार तो तुसी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों चाहवान उम्मीदवार ने जी अप्लाई जो दोस्तों इन्होंने सारिया पोस्टों लिए कंप्यूटर प्रोफेसेंसी टैस्ट थोड़ा लिया जाएगा जी। जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जी उन्होंने इंटरव्यू लिए कॉल द्वारा सूचित करता जाएगा। सैलरी स्कूल डिपार्टमेंट रूल के अनुसार दत्ती जाएगी। पोस्टों की गिनती घटाया बधाया जा सकता जी। दोस्तों इंटरव्यू अटेंड करने लिए कोई TDI का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपये। 100 रुपये तुम्हें बनाना जी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट तुम्हें बनाना जी आर्मी पब्लिक स्कूल फिरोजपुर के नाते बनाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म या तो स्कूल के ऑफिस में प्राप्त कर सकते हो नहीं तो तुम्हें इन्हें ऑफिस की वैबसाइट तो डाउनलोड कर लेना जी। डाउनलोड करने बाद चंगी तरह पढ़ के फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट सारे लगा के बैंक ड्राफ्ट भी लगाना होगा जी। दोस्तों एड्रैस नोट कर लो जिस एड्रैस से तुम अपने डॉकूमेंट्स भेजने ने जी। आर्मी पब्लिक स्कूल नियर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस फिरोजपुर कैंट के एड्रैस से तुम अपने डॉकूमेंट्स भेज देने ने जी। लास्ट डेट है जी 28 फरवरी 2022 तक तुम अपने डॉकूमेंट्स भेज सकते हो। 28 फरवरी 2022 तो बाद जो डॉकूमेंट प्राप्त होंगे जी रिजेक्ट करते जाएंगे जी। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म तुम इन्हें ऑफिशियल वैबसाइट तो डाउनलोड कर लेना जी। दोस्तों होर बधेरी जानकारी लिए भी तुम इन्हें ऑफिशियल वैबसाइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो जी। दोस्तों उम्मीद करता मेरे वर्ती जानकारी तुम्हें चंगी लगी वीडियो देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई भर्ती नोटिफिकेशन।